सर सो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आखिर क्यों आया कैसे आया या तक हमने बात कर ली क्लियर और सर जीएसटी एस टी में थर्टी फाइव एक्टर आपको जीएसटी पूरा समझना है क्लियर आपने अगर सी जी एस टी एक्ट एंड आई जी एस टी एक्ट पढ़ लिया मतलब भारत माता की जय एंड सर आपको पूरा मोटा मोटी जीएसटी आ जाएगा क्योंकि बाकी का मैं आइडिया आपको दे चुका हूं क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट तो सर शुरू करें क्या जीएसटी को अब अरे शुरू करें क्या yes, स्टार्ट करें क्या yes, पक्का डन तो सर अब एक्चुअली शुरू करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी सर ध्यान देना सबसे पहला सेक्शन सेक्शन नंबर वन कोई भी एक्ट हो सेक्शन नंबर वन क्या होता है सर हमेशा उस एक्ट का नाम क्या होता है कहां अप्लाई होगा कब से अप्लाई होगा अरे क्लियर समझे मेरी बात ओके okay. सर सेक्शन नंबर वन ऑफ दी जी एक्ट 2017 कहता है क्या इस एक्ट का नाम होगा क्या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 क्लियर सर ये अप्लाई होगा कब से विध इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड से एंड दिस एक्ट शेल एक्सटेंड टू एंटायर एंटायर ग्लोब एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था क्लियर क्योंकि सर आर्टिकल थ्री सेवेंटी उस टाइम पे एप्लीकेबल था जब जीएसटी आया था सर है हाँ ना मालिक क्लियर अभी तो, गया उड़िया पर ध्यान देना जम्मू कश्मीर सर वो स्टेट गवर्नमेंट ध्यान आर्टिकल थ्री सेवन जीरो की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कश्मीर में तभी एप्लीकेबल होगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स हमको मिलेगी मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी यस ओके ये एक्ट हमारे यहां लगा सकते हो तो ही लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा क्लियर जैसे सर्विस टैक्स यू नो सर्विस टैक्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की कभी कांग्रेस मिली ही नहीं सर्विस टैक्स वॉज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इन द जम्मू एंड कश्मीर सर आर्टिकल थ्री इसलिए हटाना पड़ा मतलब इतना इसलिए हटा वन ऑफ द रीजन कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई 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 भी कोई भी कोई भी कानून लॉ वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा था सर जब तक कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान जाए

पक्का बच्चों डन सर नुकसान उन्हीं को था क्यों क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ना जो भी गुड्स और सर्विसेज वहां कंज्यूम होती उनका कोई क्रेडिट उनको नहीं मिलता उनका कोई रेवेन्यू इनको नहीं मिल पाता सो so, अल्टीमेटली उनको मानना ही पड़ा एंड सर अल्टीमेटली सी जी एस टी एक नाउ अपलाइज टू एंटायर इंडिया ना भाई पक्का आज की तारीख में एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है सर ओके क्लियर ओके सर सर ये था सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर टू डेफिनेशन आएगी सर है हाँ ना जब जब रिलेवेंट बात आएगी हम बात कर लेंगे उसके बारे में ओके okay. सबसे पहला अब सबसे पहला कोई भी टैक्स भले वो इनकम टैक्स हो कस्टम्स ड्यूटीज हो एक्साइज ड्यूटी था सर्विस टैक्स है सर्विस टैक्स था क्लियर वेट हो या भी जीएसटी है कोई भी टैक्स अगर चार्ज होगा तो एक्ट में लिखा होना चाहिए देर मस्ट बीन अन ऑफ द एक्ट कि ऐसा एक्टिविटी होने पर ये टैक्स लगेगा हां है ना सर ये काम अगर आप करोगे तो ये टैक्स लगेगा ये काम अगर आप करोगे तो ये टैक्स चार्ज होगा दैट दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते सर उसको हम चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 अंडर सीजीएसटी एक्ट तो हम क्या ऑर्डर बचाओ सेक्शन नंबर 9 शुग्राम और कुछ समझ में आ रहा है या चल रहा है कि जीवन के लिए बस आगे है भी पका yes. चल रहा है काट रहे हो वक्त ओ सर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes, पका चलिए सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन हम बात कर रहे हैं सर देखना ध्यान से सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन क्या बोलता है बच्चों सी जी एस बी लेविड क्या मालिक सी जी एस बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई सर इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा आई जी एस टी इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम तो सी जी एस टी एक्ट पढ़ रहे बेटा सेम सेक्शन सेम सेक्शन का सब सेक्शन नंबर भी एब्सोल्युटली मिल जाएगा आपको का हर रेस्पेक्टिव एस जी एस टी एक्ट में बच्चों ठीक है तो वापस देखना सी जी एस टी शैल बी लैविड सीजीएसटी शैल बी लैविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स और सर्विसेज और बहुत एक्सेप्ट दारू पीते होंगे ना बेटा सबके सामने नहीं बोलोगे ओके ओके सर एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आई रिपीट एल लिकर फॉर उस पर जीएसटी लेवी नहीं होता है एक मिनट सारी गुड्स सारी सर्विसेज पर जीएसटी लगाया एक्सेप्ट एल लिकर फॉर ह्यूमन गुड्स एल को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन सर 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 देना एल्कोल लिकर अगर आपने लिख दिया केवल इतना सा नॉट सफिशियंट एल्कोल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन क्योंकि एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी है सर हाँ ना मलिक सर जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन कुछ लोगों के लिए दारू दबाए बेटा है ना सर गुड वेरी गुड सर मेडिसिन परफ्यूम्स क्लियर बहुत सारी गुड्स होती है जो एल्कोल से बनती है अरे हाँ भाई हैंड सैनिटाइजर वगैरह अरे नो सर कई सारी चीजों में ग्लिसरीन सर और ग्लिसरीन तो नहीं ग्लिसरीन प्लस ये सब मिक्स करके बनता था ठीक है एनी बहुत सारी गुड्स ऐसी है जिनसे क्या बनता है बेटा और जिसमें एल्कोलिकर काम आता है बच्चों क्लियर पर उस पर जीएसटी लगता है बट लिकर फॉर एल्को लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन उस पर जीएसटी नहीं लगता है पता होगा ना खैर आपको तो नो आइडिया खैर पीने के बाद पता ही नहीं पड़ता बिल में क्या लिखा है सर दारू पर अभी भी पता है क्या लगता है वेट प्लस एल्कोल लिकर मैन्युफैक्चर करने पर सुनना ध्यान से बात को लिकर मैन्युफैक्चर करने पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है क्या लगता है बेटा मतलब बिफोर जीएसटी ऑल्सो दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता था एक्साइज भी किसका था स्टेट गवर्नमेंट का वेट भी किसका था स्टेट गवर्नमेंट और हैवी टैक्सेस है सर हैवी टैक्सेस। सर ध्यान देना सर अल्कोहल लिकर से बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को सर एंड स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू इसलिए अगर जीएसटी में ले आते तो क्या होता आधा तेरा आधा मेरा मिल बाढ़ की पीनी पड़ती बेटा क्लियर और मोदी जी बोल मैं तो पिता नहीं हूं अरे हाँ ना मालिक इसलिए सर सर स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज दे रेवेन्यू उनको शेयर नहीं करना था रेवेन्यू को एंड सर बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाता क्योंकि सर बाकी सारी गुड्स पे एक्साइज किसका रेवेन्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट का हाँ ना और वेट स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर दोनों किसके थे बेटा तो स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं ये इनको लेकर तुम्हारे पास ही रखो सारा है हाँ ना भाई इसलिए सर फ्रॉम दी द जीएसटी एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन बीन एक्सक्लूडेड क्लियर मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कितने बताओ चलो एक हाथ और पांच उंगली नहीं चार उंगली और एक अंगूठा है जो कभी कभी लगाना पड़ता है बेटा हाँ है ना अब अभी अब पकाया ना मैंने बेटा <coughs> मैंने कल आपको बोला था ना आप पकाओगे मैं भी पका दूंगा आपको सर और अभी तो जोक्स बाकी मेरे बेटा कुछ कुछ सर ऐसे जोक मारूंगा ध्यान रखना आप सोने के लिए बिल्कुल भी मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो ही नहीं सकता पढ़ाई अब ठीक है ध्यान इधर सर सी, आ, सर पॉइंट मेरा आपसे ये सी बी बी लेविड लेविड क्या बोला ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट किस रेट विल बी नोटिफाइड बाई दी गवर्नमेंट पर सर ध्यान देना बेटा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट नोटिफाई कर दे तो, तो सर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है उन सबको भी वही रेट नोटिफाई करनी पड़ेगी सर हाँ है ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट चेंज कर दे तो सारे स्टेट को चेंज करना पड़ेगा सर ये तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी चली गई ना यार सेम वे फिर तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर देगी सर हाँ ना मालिक इसलिए सर जहां पर भी पूरे जीएसटी में नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अच्छा एक बात और रेट ऑफ टैक्स फिक्स करने का पावर हमने गेट कर दिया गवर्नमेंट को याद करो कल डेलीगेटेड पावर याद आया बेटा आपको आवाज जारी हुए थे डेलीगेटेड पावर याद आया क्या सर आपको अरे पक्का सर डेलीगेट पावर के, के केस में क्या होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके वो अमेंडमेंट कर सकती है चेंज कर सकती है बच्चों यस ए नो अब सर सोचिए अब अगर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रेट चेंज कर दी उसको अगर पावर दे दिया सेम सेम पावर सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का भी है सर एक्ट में अरे हा मालिक क्लियर अब सर सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट का है स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे है? हर सर, हर दिन चेंज कर दे रेट प्रदेश महंगा हो जाएगा सर इसलिए सर पूरे जीएसटी में जहां पे भी डेलीगेटेड पावर है हंड्रेड परसेंट आप देख लेना वहां पे ये मिलेगा ही मिलेगा क्या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्यों जीएसटी काउंसिल क्या है जल्दी बताओ सर इट्स अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट ना मालिक क्लियर सर कोई भी चेंज होगा तो ये बताएंगे तो ये होगा वरना चेंज नहीं होगा तो पूरे एक्ट में ध्यान रखेगा जहां पे भी डेलीगेट पावर आएगा जहां पे भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा पूरे जीएसटी में डेफिनेटली वर्ड क्या मिलेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं आप वहां कर रहे हो बस पक्का ना बच्चों देखो चीजों को सोल्व करिए चीजों को याद करोगे ना कुछ भी नहीं होगा क्लियर ऐसा समझो मस्त कि वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अपना पाएगी बात ओके सर ठीक सर जैसे मैंने डेलीगेट पावर जैसे बोला तो शायद वो कल वाला पॉइंट क्लिक कर गया होगा आपको है हाँ ना तो बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा आपको यहाँ पे ओके आराम से रिलैक्स होकर सोचिए मस्त होकर बात करिए एंड इनवॉल की बात करिए सर ओके आप भूल जाओ क्लास के अंदर और भी कोई बैठा है आप और मैं बस और कोई नहीं बैठा है बस ठीक है बात करो मस्त तो सर जहां पे भी नोटिफाइड बाय दी गवर्नमेंट आ जाएगा जहां पे भी डेलीगेट पावर आ जाएंगे पूरे जीएसटी में क्या आएगा सर ऑन दी ओके ओके चलिए सर बात वापस करता हूं मैं सर टैक्स लगेगा बट एट द रेट एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल क्लियर मतलब रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा अलग अलग गुड्स पे अलग अलग सर्विस पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और आपको याद करने की जरूरत नहीं है बट यू नो द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट वापस बोल रहा हूं मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी ट्वेंटी परसेंट ओके चलो बताओ मतलब जीएसटी का हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है सर हा? क्या बात है मजा आ गया तो सर सो द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी फोर्टी परसेंट बिकॉज रेट ऑफ सी जीएसटी वेरी गुड सर सर और ये रेट ऑफ टैक्स किस पे लगेगा क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे मालिक इनकम टैक्स लगता है कितना कमाया उस पर हा है ना सर हम क्या पढ़ रहे हैं जीएसटी जीएसटी लगता है टर्नओवर पर सेल पर सेल वैल्यू पे हाँ है ना सर ट्रांजेक्शन अमाउंट पर बच्चों यस ए नो क्लियर सो अप्लाइड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू हम पढ़ेंगे section number 15, आगे जाके chapter number 3 में रखा आपके लिए Clear? Value of goods, पर लगेगा and, and, दिल थाम के इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन ओके मालिक चलिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं फिर वापस मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करूंगा आपके लिए ओके सर दे देना सी जी एस बी लेवीड क्या बोला सर अच्छा हम याद नहीं कर रहे हम रिवाइज करके एक एक वर्ड की इंपोर्टेंस हम समझ रहे हैं बच्चों ठीक है सर सी जी एस टी शेल बी लेवीड व्हाट डू मीन बाय लेवी चलो एक काम करता हूं मैं

तो सर सी जी एस टी लेवी होगा वट डू मीन बाई लेवी चार्ज होगा टैक्स लगेगा टैक्स इंपोज होगा कब होगा कब होगा आवाज नहीं आ रही हुई? इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो हिंदुस्तान में जिसकी वजह से टैक्स लगेगा ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो हिंदुस्तान में जिसकी वजह से टैक्स लगेगा इंटरास्टेड सप्लाई सीजेसी की बात कर की बात करें अगर हम तो इंटरास्टेड सप्लाई है ना सर कहा लिखा है सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन क्लियर समझे मेरी बात कहा लिखा है मतलब आपको बताया किसने कि ये काम करने पे जीएसट लगेगा इसलिए इसको बोलते हैं क्या चार्जिंग सेक्शन क्लियर हर टैक्सेशन लॉ के अंदर आप डेफिनेटली ये सेक्शन देखेंगे और इस सेक्शन की वजह से टैक्स लग रहा है सर हाँ है ना भाई क्लियर पक्का तो ये वो इवेंट है ये वो इवेंट है जिसके होने पे टैक्स लगेगा सर अरे ये नो क्लियर तो यू टेल मी ऐसा कौन सा इवेंट है ऐसा कौन सा इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच जीएसटी विल बिकम एप्लीकेबल यस सर इंटरस्टेट सप्लाई चलिए सी जीएसटी हो एस जीएसटी हो इंटर पर लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई क्या लगेगा जीएसटी तो सी जीएसटी हो एस जीएसटी हो या आई सप्लाई पे क्लियर तो सर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पर जीएसटी लगता है तो सर वो इवेंट जिसके होने पर जीएसटी लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट अरे है हाँ ना वो इवेंट जिसके होने पर पर्टिकुलर पर टैक्स लगता है द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई क्लियर ऐसा इवेंट ऐसा कोई काम जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इस कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट और वो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है बेटा चलिए कस्टम्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जल्दी बोलो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अच्छा एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है मैन्युफैक्चर सेल्स टैक्स में क्या है दैट्स इट मतलब आपको टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर समझे आप मेरी बात देखो आप कभी भी चीजों को याद मत करो मैं बोल रहा हूँ ना फंडामेंटल समझिए आप सर बाकी सारे एक्ट आपने मुझे, मुझे बता दिए कि कस्टम में क्या होगा एक्साइज में क्या होगा सेल्स टैक्स में क्या होगा अरे क्लियर सर टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लग रहा है और वो इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ओके तो सर सी जीएसटी क्या बोला सर अच्छा ये सब आपको बताया कि इसने टैक्सीबल इवेंट ये सप्लाई मैंने नहीं बताया सर मैंने नहीं बताया सेक्शन नंबर नाइन ने पूरी दुनिया को बताया सर ओके okay, समझे मेरी बात सो so, मतलब कभी भी कोई बात ऐसे याद नहीं करनी यशवंत सर ने बोला इसलिए याद करना है नहीं सर वो चीज का लॉजिक क्या है ये चीज का मतलब ये है एंसर इसका इंटरप्रेशन ये ने ने रहा है, बात खत्म ओके सो सी जी एस टी शेल बी ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई वोट गुड्स और सर्विसेज और बोथ अच्छा गुड्स और सर्विसेज और बोथ गुड्स के टैक्स भी मर्ज हुए सर्विसेज के टैक्सेस भी मर्ज हुए है ना और बोथ बोथ का बोत का मतलब क्या सर कंपोजिट सप्लाई सप्लाई क्लियर कॉम्बो ऑफ बोथ दिस है ना भाई इसके एग्जाम्पल में कुछ दूंगा आपको बाद में बेटा अरे क्लियर सो सी जी एस टी शैल क्या बोला सर सी जी एस टी शेल वी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बात में कर चुका हमसे बेटा एट द रेट नोटिफाइड बाई द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड सर, मैक्सिमम रेट विल बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ वॉट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस पेबल टैक्सेबल पर्सन एक मिनट वैल्यू क्या होता है मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको बेटा सेल प्राइस वैल्यू सर एक बात और करनी है इट शैल बी इट शेल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन ये क्या होता है इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन हाँ जी मैं तुम्हें बताता हूं बेटा यस ओके ठीक है गुड और बताता हूँ आपको एग्जांपल टैक्सेबल पर्सन इज बीन डिफाइंड इन जीएसटी टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड अंडर जीएसटी और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता दिल थाम कर सुनेगा मजा आ जाएगा सर आपको सुनना so, मस्त वैसे ये टॉपिक चैप्टर पढेंगे रजिस्ट्रेशन तब आएगा पर थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको पूरा डेप में नहीं ले जा रहा मैं आपको चलेगा सर ठीक है टैक्सेबल पर्सन अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अ पर्सन हु इज जल्दी बोलो पर्सन इज़ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और ओके दो लोग सर समझना अच्छे से बात को अब पर्सन इज़ ठीक है चलो चलो एक एक बात करते हैं अब सर पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ठीक है सर पहले क्या पढ़ेंगे सर पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर वन के पहले सर पॉइंट नंबर टू इस बार पहले ओके पर्सन हु इज अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर क्या नाम जयनम सर एक एग्जाम्पल लेते कि जैनम जी आपका जो बिजनेस है आपका टर्न ओवर थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुका है जो ट्वेंटी लाख रुपये सर कितना आगे बढ़ेंगे हम सर सर बीस लाख रुपए कितना बेटा ट्वेंटी लाख रुपीज थ्रेश लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज ट्वेंटी लाख रुपए मान लो आपका टर्न ओवर जो है वो बीस लाख रूपये क्रॉस कर चुका है अच्छा कुछ केस में दस लाख भी है कुछ केस में फोर्टी लाख भी बेटा ठीक है बात बात एक 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 क्रॉस हो गया मतलब यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन प्लस कुछ एक्सेप्शन केस भी होते पे भले ही बीस लाख क्रॉस नहीं हुआ फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ट्वेंटी फोर में लिखा है बाद में तो मालिक अगर आप पर लाइव डी आगे रजिस्ट्रेशन की तो गवर्नमेंट ने बोला इनको कि यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डेज कितने दिन में बेटा भाई जैसे ही टर्नओवर क्रॉस ऐसा हो तो नहीं आदमी दुकान बंद करेगा और जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने तीस दिन का वक्त दिया है हाँ ना भाई ठीक है मान लो इसने रजिस्ट्रेशन करा दिया रजिस्ट्रेशन करा दिया मतलब हे भी कमा रजिस्टर्ड पर्सन मान लो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बताओ क्या ये टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं सर ये रजिस्टर्ड नहीं है ये रजिस्टर्ड नहीं है बट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन लग गए क्या जीएसटी क्यों Charging section है, ध्यान से जल्दी मत करना Charging section है क्या कि है हाँ ना सर सर समझे मेरी बात तो अगर अगर आप आप हो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया फिर भी टैक्स तो हम आपसे लेंगे समझे आप मेरी बात क्लियर और एक खास बात अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ना बेटा तो यू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम दी कस्टमर आ जाए इधर आ जा ना आगे इधर एकदम पास दिल के करीब सर गुड मॉर्निंग ना के नहीं आया ना <laughs> ना के सेम टू यू सर सुन्ना क्या दवा दूंगा टेंशन क्या ले रहा है सर सुनना इधर ओके 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 ओके, ओके इधर इधर सुनना वापस वापस सुनना भाई अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो क्या बोला सर यू आर अ टैक्सेबल पर्सन अब ध्यान देना बच्चों आपसे तो हम टैक्स लेंगे भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया आप से हम टैक्स लेंगे क्लियर क्योंकि आप पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया है और खास बात वैसे आगे आएगा पर बता देता हूं मैं आपको इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी यू कैन नॉट कलेक्ट द द टैक्स फ्रॉम कस्टमर भाई आपका जीएसटी नंबर नहीं है क्या आप टैक्स इनवेस्ट इश्यू कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे क्या कस्टमर से टैक्स ले पाएंगे क्या नहीं ये लॉजिकल बताया मैंने आगे बढ़ेंगे हम आगे ठीक है मतलब क्या हो गया बेटा जैनम भाई यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इट मीन्स आप लाइबलिटी रजिस्ट्रेशन की सर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया

टैक्सेबल पर्सन मीन अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी क्या नाम सर अर्जुन, अर्जुन भाई सर अर्जुन भाई इनका टर्न ओवर कितना है बेटा डबल जीरो बेटा वो डबल जीरो नहीं हो सर सुना टर्न ओवर है ही नहीं बिजनेस अभी कमेंस कर रहा है बेटा एंड ही फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल ही पर क्या यह अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता है क्या यस yes. yes. इसको बोलते हैं क्या वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन गुड इवन इफ यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन यू कैन अपलाई फॉर रजिस्ट्रेशन दिस इज वॉट इज कॉल्ड वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन एंड वंस यू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर

इट बी बाय पर्सन समझ में आया बेटा आपको क्लियर पर्सन पर्सन मतलब अ हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हा है ना क्लियर अच्छा क्या नाम सर मीत भाई सर ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका टर्न ओवर कम है सर ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया सर क्लियर सर बताओ क्या टैक्सबल पर्सन है ना ये रजिस्टर्ड पर्सन है ना ये लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा ठीक है चलेगा सर कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है हाँ ना मालिक क्लियर डन तो सर सी जी एस टी शेल बी लेविड क्या सर सी जी एस बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन 20% ऑफ वोट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड इट शेल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन हाँ है ना सर अच्छा पता है अभी इसको याद नहीं करना पड़ेगा आपको क्यू? क्यों क्योंकि आपको हर वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया सर हाँ ना एक लाइन मिस किया है एक वर्ड मिस किया मतलब एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने मिस कर दिया तो हर चीज को ऐसा समझो कि आपको अपना भी याद हो जाए सर याद करना नहीं पड़े बेटा क्योंकि प्यार हो जाता है प्यार करते है थोड़ा बेटा क्लियर तो ऐसी चीजें समझ में आ जानी चाहिए याद करनी नहीं पड़े सर अरे क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट डन सर प्लीज सर सर तो टू तो में फॉलो तो जाएगा फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भले वन में फोलो टू में फॉलो है तो टेक्सवल पर्सन है बेटा क्या फर्क पड़ता है नहीं ऐसा का लिखा है ऐसा का लिखा है और वन में टू में क्या फर्क पड़ रहा है इफ यू आर टैक्सल पर्सन टैक्स बी अट्रैक्टेड बात क्लियर सर यहां तक बात क्या सर आप

पांच गुड्स पेट्रोल वाली बेटा पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता आपने सुना होगा सर देखा होगा आपने सर ठीक है वो यही सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर टू है जिसने बोला है क्या आर थी फाइव गुड्स फर्स्ट क्या है पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड जिसको बोलते हैं पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है बेटा एंड नेचुरल गैस ये पांच गुड्स आई रिपीट पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ एंड नेचुरल गैस ये पांच गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल जब तक नोटिफाई नहीं हुआ है हाँ ना सर तो सर इसका मतलब क्या हो गया ये पांच गुड्स ऐसी है भी जिन पे जीएसटी नहीं लगता खास बात अगेन सर अगेन पता है सर गवर्नमेंट ने बोला क्या इन पे भी हम जीएसटी लगाएंगे बट फ्रॉम अ डेट टू तो बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जो तक नोटिफाई नहीं हुआ पर पता है पेट्रोल डीजल हैवी है सर इस पे एक्साइज भी और सेल्स टैक्स भी वेट भी बेटा हा है ना सर और वो भी हैवी बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट का आता है इन गुड्स से और अगर इसको जीएसटी में मर्ज कर दिया मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी फोर्टी परसेंट ना सर क्लियर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल टैक्स करने पड़ेंगे सर जो भी नहीं है ठीक है ना आप देखो ना स्टेट वाइज रेट ऑफ पेट्रोल चेंज होती है सर होता ना सर क्लियर बाद में क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा मैक्सिम रेट कैन भी ट्वेंटी परसेंट ऑनली सो अब तक इसको जीएसटी मर्ज नहीं किया हा है ना तो एट प्रेजेंट कितने गुड से जिनपे जीएसटी नहीं लगता सिक्स

एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्लियर मतलब घूम लो और झूम लो दोनों पे जीएसटी नहीं है बेटा अरे पेट्रोल और दारू दोनों पे जीएसटी नहीं है किस पे नहीं है घूम लो और चूम लो नहीं रहे झूम लो झूम लो समझा सर नींद से उठ बारह सपनों से बारह बेटा चूम लो सर यहां तक बात समझे क्या अरे पक्का दीज आर दी सिक्स गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविड इसलिए इन छह गुड्स को बोलते क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या बोलते हैं सर टैक्स लेवी नहीं हो रहा है सर एग्जेपन नहीं बोलते सर लेवी नहीं हो रहा है सर हा भाई क्लियर दीज आर गॉड नॉन टैक्सेबल सप्लाई ठीक है मालिक डन सर आइए सेक्शन नंबर सेक्शन सबसे की तरफ बात करते हैं सर हम सर आपने से बोला था रिवर्स चार्ज मैकेजम सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर थ्री सुनना ओ सी अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है क्या है साहब अच्छा यार एक चीज बताओ ये पढ़ने से पहले ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है यार इनडायरेक्ट टैक्स है क्यों कैसे है? मतलब मैकेनिज्म क्या होता है इसका सर पेबर बाय एल्स एंड बोन बाय एल्स एग्जाम्पल दो ना मैगडी मैगडी बेटा सुबह सुबह हाँ सर मैगडी सर या लैपटॉप कपड़े कुछ भी अगर आपने खरीदा है तो उसमें क्या हो रहा है कस्टमर आई एम दप्लायर सर रेसिपिन क्या करता है कस्टमर को वैल्यू सप्लाय प्लस टैक्स का अमाउंट देता है एंड गवर्नमेंट को टैक्स अमाउंट कौन पे करेगा पे कौन पे करेगा सप्लायर पर सर कुछ केसेस में सप्लायर नालायक या ये कह दो सिस्टम इतना कॉम्प्लीकेट हो जाता था कि सर गवर्नमेंट से सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ केसेस में सिस्टम रिवर्स कर दिया इन सर्टन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट ने क्या किया आइडेंटिफाई किया कि इन केस में सप्लायर से टैक्स लेना बहुत डिफिकल्ट है टैक्स ना ले पाएंगे इसलिए रेसीपेंट को बोल दिया क्या रेसीपेंट तुम सप्लायर को टैक्स पे मत करना डायरेक्टली किसको पे करना डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम किस पे टैक्स की लाइब्रेडी आएगी सर और पता है जब रेसिपेंट पे लाइब्रेडी है ना बेटा तो रेसिपेंट पे लाइब्रेटी है मतलब देर इज नो चॉइस ऐसा नहीं काम करना आज तू पे कर टैक्स ऐसा नहीं हो सकता सर जहां सप्लायर लाइवल है वहां सप्लायर को टैक्स पे करना जहां रेसिपेंट लाइवल है वहां रेसीपेंट को ही टैक्स पे करना है बात खत्म देर इज नो चॉइस

अरे क्लियर पक्का और सर रेसिपिन लाइबल है मतलब वो ही लाइबल है बात खत्म चॉइस नहीं है सर ठीक है सर जहां पर सप्लायर ही लाइबल होता है उसको बोलते हैं वर्ड के लिखा नहीं के अंदर पर उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलते हैं मालिक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जहां होता है उसको क्या बोलते हैं सर सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओके जनरली क्या लगता है बेटा फॉरवर्ड चार्ज ठीक है एक्सेप्शन केस में क्या है सर रिवर्स चार्ज एंड यस कुछ गुड्स में

वो लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विस पढ़ लेंगे बाद में सर एक एग्जाम्पल देखे मैं आपको सर अरे पढ़ा दू क्या चलिए सर मान लो चलो वापस मान लो हाँ चाहिए एनर्जी आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी सर क्या करी सर आपने एक मिनट गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बेटा हाँ बोलो 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 गुड्स इंपोर्ट करने पर कस्टम्स लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूं सर आपसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर आपसे सर्विसेज मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे ऐसे करो हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी नहीं ठीक है ना ऐसे ऐसे दोनों हाथ से पास वाला हाँ एक बार नहीं तेरे को न, नहीं ऐसे नहीं बोला मैंने इसको पकड़ पकड़ और ऐसे ऐसे कर ढंग से हाँ अभी ध्यान दे ठीक है सर मान लो हाँ <स्थिति> बात करनी मेरे से आपको ओके सर आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने क्या बोला हां नहीं तो हूं तो चलेगा सर कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी है सर गुड्स इंपोर्ट करने पे लगता है कस्टम्स मैं बात करूं किसकी सर्विसेज सर हम पढ़ेंगे आगे जाके सप्लाई की डेफिनेशन में अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो, तो वहां लगता है आईजीएसटी सर क्या लगता है बेचा आईजीएसटी ऐसा हम पढ़ेंगे बाद में सर ठीक है अभी रिवर्स चार्ज का मैं एक देने के लिए आपको ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है तो सर सर्विस जीएसटी लगता है ये ना बेटा ओके अब सर मान लो आउट ऑफ इंडिया से कहा से बेटा आउट ऑफ इंडिया से सर आपने सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से सर्विस देने वाला कौन था मान लो मिस्टर डॉन डॉन ने सर्विसेज दी इंडिया में किसको मिस्टर कौन को कौन ने डॉन से सर्विस इंपोर्ट करी क्या इंपोर्ट करी बेटा सर्विसेज मान लो वैल्यू सर्विस कितना बेटा वन सीआर उस पर एटीन परसेंट रेट ऑफ टैक्स सपोज आईजीएसटी कितना हो गया सर एटीन लैख टोटल कम्स टू वन करोड़ एटीन लैख्स सुनना ध्यान से अगर कौन ने जो रेसिपेंट है उसने अगर पूरा एक करोड़ अठारह लाख रुपए डॉन को दे दिया होता डॉन का है आउट ऑफ इंडिया अगर एंटायर वन करोड़ ले अगर उसने डॉन को पे कर दिया होता तो क्या आप सोच के बताइए क्या डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता क्योंकि टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना यार ऐसा कोई डोनेशन का बॉक्स तो नहीं है कि मेरा टैक्स बनता है डाल दिया डोनेशन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रिटर्न फाइल करना पड़ेंगे सर अरे हाँ ना सर सर क्या आपको लगता है वो डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराएगा टैक्स पे करेगा रिटर्न फाइल करेगा आपको लगता है अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया जाके इंडिया के लॉज वहां अप्लाई कर पाएगी और वहां से उनसे रिकवरी कर पाएगी इंडिया वालों से रिकवरी नहीं हो पा रहा है भाई अरे हा है ना सर इज इट पॉसिबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दी आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया नो नोट एट ऑल क्लियर इसलिए इसलिए गवर्नमेंट वहां क्या लगा दिया बेटा रिवर्स ज मैके और वहां रेसिपेंट को बोल दिया क्या दिमाग खराब मत करना आप उस सप्लायर ऑफ सर्विस को मिस्टर को इस एग्जांपल में केवल एक करोड़ दीजिएगा जो एडिनेक बनता है वो डायरेक्टली किसको पे ना गवर्नमेंट को सर क्योंकि डॉन का है आउट ऑफ इंडिया क्लियर और सर जो आउट ऑफ इंडिया उसको इंडियन गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाएगी क्यों नहीं पकड़ पाएगी बेटा क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पकाया ना बेटा क्लियर सर आपकी आवाज कम आएगी तो मैं भी पकड़ूंगा बेटा ध्यान रखना सर क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और सर डॉन की जगह पे कोई नॉर्मल आदमी होता ना ना सर सर तो भी ना हो पाता सर। क्योंकि इंडियन लॉज के थ्रू आप बाहर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे सर इंडियन के इंडिया के जीएसटी लो वहां बाहर नहीं लगा सकते आप बच्चों ठीक है क्लियर इसलिए इसीलिए यहां पे क्या लगाया बच्चों जल्दी बोलो आर सी एम और वहां पे कौन लाइव होगा बताता रहा हूं मैं कौन लाइवल होगा अरे बता रहा हूँ कौन लाइव होगा पूछ नहीं रहा हूं मैं आपसे कौन लाइव होगा देखो ध्यान से अरे कौन लाइव होगा ये देखो है <laughs> ना सर कौन लाइव बता तो रहा हूं आपसे कौन लाइव समझे सो दीज आर दी सर ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है सर वहां भी ऐसा नहीं गवर्नमेंट को मजा आ रहा है कॉम्प्लिकेट कर दो तो. कुछ केस में रेसिपेंट को लाइव कर दो तो, कुछ केस में सप्लायर को लाइव कर दो तो. सिस्टम समझ नहीं है और लोग कोचिंग करना है ऐसा नहीं है क्लियर सर तो इन एवरी सर्विस एवरी गुड्स विच हैव बीन नोटिफाइड बाय बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 देर आर लॉजिक्स ठीक है पर हर सेक्टर को हम पढ़ेंगे बाद में सर और सर हम चीज को समझेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है आई थिंक समझ में आया एग्जांपल के थ्रू बेटा आपको क्लियर एक और एग्जांपल दूं सर मैं आपको और दूं क्या रिकवरी एजेंट बैंक्स वगैरह होते हैं ना सर वसूली भाई और ये सुनो सर yes, जो लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं, उनसे रीपेमेंट करवाते है बेटा हाँ है ना, फिर भी नहीं होता है तो सर रिकवरी एजेंट अपन सर रिकवरी एजेंट जितना रिकवरी करेंगे उसका एक फीस उनको मिलेगा सर अब सर आप सोचो रिकवरी एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक उस पर क्या लगेगा सर जीएसटी अरे हाँ है ना सर अरे विद इन द स्टेट होगा तो इंटरेस्ट रेड होगा तो सी ओर लगेगा इंटरेस्ट हुआ तो आई जी लगेगा आप लगे तो जीएसट ना सर अब सर सोचो अगर बैंक रिकवरी एजेंट को उनकी कमीशन या फीस के साथ साथ जीएसटी भी पे कर दे आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे टैक्स पे करेंगे लगता है आपको और अगर टैक्स पे नहीं किया तो क्या आपको लगता है डिपार्टमेंट उनसे रिकवरी कर पाएगा दो ऑफिसर गए रिकवरी करने आया नहीं <laughs> सर क्लियर इसलिए प्रैक्टिकली अगेन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द द गवर्नमेंट टू रिकवर टैक्स फ्रॉम दू रिक्सवरी एजेंट क्या लगा दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और गवर्नमेंट बोले क्या हमसे ना हो पाएगा बैंक तुम उनको टैक्स देना ही नहीं तुम डायरेक्टली उनको वैल्यू का जो अमाउंट है टैक्स जो विदाउट टैक्स जो वैल्यू है उसी का पेमेंट करना टैक्स हम डायरेक्टली आपसे लेंगे सर हाँ ना सर और वहां क्या लगा दिया बच्चों आरसीएम लगा दिया और वहां आरसी जो बैंक होता है वो लाए होगा टैक्स पे करने के लिए सर यस या नो और इस एग्जाम्पल में यहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है CR, ये को पे करेगा मिस्टर कौन एंड एटीन लाख रूपी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा मिस्टर कौन मिर्च हाँ ना मालिक क्लियर पक्का डन सर प्लीज नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्लियर आरसीएम के अंदर चलो आप बोलो आपका आंसर और मस्तला देता हूं बोलो सर चलो मैं बोलता हूँ इनका क्वेश्चन में हाँ अब क्वेश्चन ही वही था तो मैं बोलूंगा ना आ सर मैं डिफाइन भी करता हूँ इनका क्वेश्चन सो दैट सबको समझ में आएगा सर <coughs> इनका क्वेश्चन मैं समझ गया पर जरूरी नहीं आप लोग समझ गए सर अभी अभी आपने और मैंने बात करी कि जीएसटी तभी लेवी होगा जब सप्लाई होगा हाँ ना भाई एंड इट बी बाय टैक्सेबल पर्सन तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लगा दिया तो रेसिपेंट लाइबल होगा तो क्या रेसिपेंट टैक्सेबल पर्सन है क्या यस yes. क्या लाइबल रजिस्ट्रेशन है <coughs> सर वैसे आपका आंसर अंदाजा बिल्कुल सही था आपका। सेक्शन आपने नहीं पढ़ा, आपको पता था बेटा कि सर सेक्शन ट्वेंटी में लिखा है कि जिन पे रिवर्स चार्ज है जीएसटी पे करने की उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा भले उनका टर्न ओवर कुछ भी हो वी डोंट केयर और जैसे ही उन पे आरसीएम की लाइब्रिटी टैक्सेबल पर्सन और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन बने जीएसटी अट्रैक्ट हो गया एंड यस दे आर लाइबल टू पे द जीएसटी एस पर सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री भारत माता की जय क्लियर पका डन सर हाँ बेटा नहीं 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 आर से मैं आ रहा है तो अच्छा एक बात और सर गवर्नमेंट भी कोई पागल नहीं है गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के रिवर्स आज की कुछ सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई किया है एंड कंज्यूमर परेशान नहीं होना चाहिए सर उसके अंदर ठीक है गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को डिफाइन कराया देखा है समझा और उसके बाद ही रिवर्स चार्ज लगाया अब बोलिए आप नहीं है ना टैक्स का बेनिफिट भाई गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है इजी कलेक्शन ऑफ टैक्स रिकवरी एजेंट अब रिकवरी एजेंट से टैक्स ले सकते हैं क्या है सर वो नहीं उनको लगा बहुत डिफिकल्ट है सर कलेक्ट करना इनसे बैंक को बोल बोलिए तुम्हें टैक्स पे कर देना हमको सो वो मिले नहीं मिले बात की बात है ना बेटा भाई आईटीसी मिलेगा तो टैक्स पे नहीं करेंगे ऐसा आप सोचो अगर आपका आउटपुट टैक्सेबल है तो क्या इनपुट इनपुट गुड टैक्स पे नहीं करोगे आप क्लियर सो आईटीसी मिले ना मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले ना मिले वो बात की बात है बच्चों क्लियर हो सकता है आपका आउटपुट सप्लाई है बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलता है अब ठीक है वो सेकंड स्टेप हो गया आपको आईटीसी मिलना नहीं मिलना एक अलग बात हो गई पर हर वैल्युडेशन पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए तो सर रिवर्स चार्ज में अगर आपकी लाइब्रिटी आती है टैक्स ठीक है भले आपको आईटीसी मिलता नहीं मिलता है। बात की बात है बच्चों ओके okay बेटा क्लियर माहौल तो सर ये था क्या सेक्शन नंबर नाइन जो कोई बहुत टफ बात नहीं है सर कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूं आरसीएम का सर वो हम पढ़ेंगे लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ गुड्स और सर्विसेज चैप्टर नंबर सिक्स में जब हम रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज का बच्चों क्लियर डन सेम वे एक सेक्शन नंबर नाइन भी दे रखा है सर अगेन ये भी रिवर्स चार्ज का है बेटा सुनना ध्यान से क्या बोला है बताए सर गवर्नमेंट हैज़ द पावर क्या बोला मालिक गवर्नमेंट हैज़ द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन दी द जीएसटी काउंसिल कैन अच्छा ये सुननाशारी डेलीगेट पावर दे रखा है जीएसटी काउंसिल आएगा ही आएगा सर उनके पास पावर है कि वो वो नोटिफाई कर देंगे कुछ? गुड्स और सर्विस और बोथ को क्या कर देंगे सर देखिन नोटिफाइस गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और गुड्सर बहुत परचेज करता है कौन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन परचेज करता है मालिक आवाज नहीं आ रही स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अगर परचेज करता है कौन परचेज करता है बेटा सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दैट ऑन दी रिकमेंडे जीएसटी सर्टेन नोटिफाइड और 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 बोथ अगर उन नोटिफाइड गुड्स और और बोथ को परचेज किया किसने स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने किससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, से. किससे परचेज किया बेटा तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रिवर्स चार्ज लगेगा तो रेसिपेंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा हाँ है ना मालिक क्लियर ओके समझ में नहीं आया बेटा क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं अभी बोला है केवल बोलता हूं अभी मैं सुन ना रहे हो शरी सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 सर क्या बोलता है किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या बोला सर कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और सप्लायर जो था वो तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, है वो तो वैसे भी क्या है अब वो अनिस्टर्ड उस पर टैक्स की लाइव आती नहीं वो तो टैक्स पे करेगा नहीं सर कोई बात नहीं जो रेसिपेंट वो तो रजिस्टर्ड है तू टैक्स पे कर देना क्या फर्क पड़ता है अरे हाई ना सर आई रिपीट सर अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसे सर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड गुड्स और सर्विस किया तो ऐसे केस में वो जो रजिस्टर्ड है वो लाइव होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम ठीक है सर वैसे अगेन ये चैप्टर जब आएगा सेवन सिक्स तब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे पर यस बता देता हूँ आपको एक ही नोटिफाइड पर्सन है आज तारीख में कौन बिल्डर प्रोमोटर जिसको बोलते हैं टेक्निकली प्रोमोटर लीगल लैंग्वेज में बेटा ठीक है और आप और हम इसको किस नाम से जानते बच्चों बिल्डर सर प्रोमोटर नोटिफाइड किसको नोटिफाई किया सर चलो बिल्डर बोल दू मैं चलेगा आपके लिए ठीक है बिल्डर को नोटिफाई कर दिया किसको नोटिफाई कर दिया सर किसको नोटिफाई किया किसको नोटिफाई किया ऐसे ऐसे हथ हट, हटा दे अरे बस तू कहीं कहीं खो जाता कभी कभी बेटा सर सुनना किसको नोटिफाई किया बिल्डर को मेरे साथ बोलते जाओ आप सर किसको नोटिफाई किया अब अगर बिल्डर, को कर दिया कि बिल्डर तुमने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या बोला सर सीमेंट परचेज कर लिया क्या परचेज कर लिया तो लग गए और कौन पे करेगा क्यों क्योंकि जो सप्लायर है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं साहब उस जीएसटी आती ही नहीं सर वो तो टैक्स पे करेगा नहीं सर तेरे को पे करना पड़ेगा क्लियर सीमेंट है कैपिटल गुड्स है कुछ अदर गुड्स भी बेटा वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्स पढ़ते वक्त पर यस एट प्रेजेंट केवल एक ही नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है नाम क्या है उसका पका पका बिल्डर ने किससे परचेज किया गुड्स अच्छा रजिस्टर से परचेज किया होता तो वो तो वैसे भी टैक्स लगा के देता सर नहीं नहीं मजा नहीं सुना। भाई आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं बेटा और मैं बिल्डर हूं सर मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में मैंने अगर रजिस्टर्ड लोगों से गुड्स खरीदी होती तो क्या होता उन्होंने वैसे भी टैक्स लगाया होता सर और बिल पे टैक्स लगा के मुझे दिया दिया होता होता मैंने टैक्स पे कर उनको और उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, दिया होगा हाँ ना सर पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो सर और सीमेंट बेच रहे हो बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर्ड होते सीमेंट बेचते सीमेंट पे जीएसटी लगा के देते मेरे को सर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो आपने सीमेंट पे जीएसटी नहीं लगाया होगा कोई बात नहीं मेरे को लगाना पड़ेगा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बात खत्म भारत माता की जय अब इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है बात करने के बाद में सर अभी वो आपका माइंड है धीरे धीरे मैचर होगा अभी नहीं मैचर हो मैचर है क्लियर अच्छा मेरे को पता है कि मेरे को कब कौन सा टॉपिक कब क्या बोलना है ठीक है सर और द बेस्ट मैनर जिसमें आपको समझ में आएगा तभी मैं बोलूँगा बात ठीक है क्लियर समझे मेरी बात क्योंकि मुझे पता है कि सर आपको कौन सी बात कब बतानी है लिंकिंग करने की वजह से ओके okay बच्चों जिसे आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से इफेक्टिवली समझ में आएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा तो मैं इसका लॉजिक अभी नहीं समझा रहा आपको क्योंकि वो अभी आपका माइंड मेच्योर करना बाकी मेरे को अभी ठीक है सर अरे क्लियर मालिक ठीक तो सर चैप्टर नंबर सिक्स जब आएगा तब डिटेल में बात करेंगे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है क्या इसके लिए चलो एक काम करूं क्या यार एक बहुत ही भारी बात बोल दू क्या यार सर पता है इस सेक्शन में बवाल मचा दिया था सर जब जीएसटी आया था इस सेक्शन ने पता है क्या लिखा था ये नोटिफाइड नहीं था ये नहीं था अब पढ़ के बताओ एक बार सर सुन रहे हो जब जी जब जीएसटी नया नया आया था ना सर इस सेक्शन ने तो बैंड बजा दी सर लगभग लगभग हर बिजनेसमैन की इसकी इंपोर्टेंस क्रिएट तो खत्म हो गया सर या थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको नॉलेज के लिए चलेगा चलेगा आगे थोड़ा चाहिए नॉलेज तो ऐसे आवाज ढंग से नहीं आ रही चाहिए क्या मैं हूं तो सेल्फिश देखो आप, सर जब जीएसटी आया था फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को तभी सेक्शन नाइन ने क्या लिखा था बताए कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता तो लग गए और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और सर वो रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली ठीक है सर मतलब कुल मिलाकर आरसीएम लगेगा सर वापस सुनना कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विस किससे खरीद रहा है अनरजिस्टर्ड से बेटा तो रेसीपेंट को जो बिजनेसमैन है जो रजिस्टर्ड तो जीएसटी में उसको आरसी में टैक्स पे करना है हॉर्स गुड्स सर्विस पे जो अनिस्टर्ड खरीदा है अब इसको इमेजिन करके बताता हूं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी मैंने बोला ना हूं भी चलेगा बेटा केवल एक्सप्रेशन से काम नहीं चलेगा सर आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी अब सर मैंने अपने ऑफिस में चाय मंगाई सर चाय स्टाफ के लिए अपने लिए क्लाइंट के लिए सर क्या मंगाया भाई चाय अब आपको बताया नॉर्मली अपन लोग जो चाय मंगाते हैं किसे मंगाते हैं सर सर रोड साइड टपरी से बेटा कोई बड़े रेस्टोरेंट से तो अभी तक होगा नहीं काम अरे हाँ ना भाई लॉजिकली हर बिजनेस में देखो ना यार हर दुकान में देखो सर आप तो आप बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को छोड़ दो सर आप आप तो हर दुकान वाले के लिए सोचिए आप क्या होगा सर आप सर किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को कभी में दिक्कत नहीं आती सर क्यों टैक्स की पूरी टीम होती है सर उनके पास और आप जैसे कंसल्टेंट भी होते सर उनके पास होते ही ना सर अरे सी ए साहब सर सुनना पर आप छोटे बिजनेसमैन के लिए सोचिए आप जो दुकान लेके बैठा है वन मैन शो है अब सोचो आप उस समय दुकान में चाय मंगाई सर नॉर्मली आपने जहां भी ऑडिट करी होगी या जहां भी आपने अकाउंट देखे होंगे सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे देखे होंगे सर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। लग गए और वो भी रिवर्स चार्ज अब सुन बहुत भारी काम हो गया सर जब जीएसटी आया था हर बिजनेसमैन एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने चाय का सर उसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जितने खर्चे दिख रहे अगर रजिस्टर से किए हुए तो तो जीएसटी लग के आया होगा अनरजिस्टर्ड से किए हुए सब पे लगाओ टैक्स सब पे टैक्स पे करना है किसको टैक्स पे करना चैलेंज नहीं है सर हर महीने टैक्स पे करना है और हर गुड्स हर सर्विस जो उसने अनरजिस्टर्ड खरीदी है उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या है क्या फिक्स है क्या सारी गुड सारी सर्विस पे अलग अलग है उसको रेट ऑफ टैक्स निकलवाना पड़ेगा सर और सर वैसे टैक्स इन्वेस्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं आपको अब तक पर सर अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ने परचेज किया है और वहां पर अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो खुद को खुद पे इन्वेस्ट भी इश्यू करना पड़ता है <coughs> सर मर जाएगा बिजनेसमैन और आप सोचिए सर हर महीने टैक्स पे करना है क्या बोला सर मतलब हर महीने कितनी चाय पिए कितने खर्चे किए कितने रिपेयर एक्सपेंसेस किए सर उन सब पे टैक्स पे करो रिवर्स मैक्रेस में है, सर देश के जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है या लोअर मिडिल क्लास बोलते हो सर सर उनके मैक्सिमम खर्चे तो मार्च में बुक होते बेटा <laughs> आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा हाँ है ना सर लास्ट में मार्च मंथ में डिसाइड करता है क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या प्रॉफिट रखना है सर फिर एक्सपेंसेस बुक होते हैं जनरल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस स्टाफ वेलफेयर कभी नहीं किया पर उसके एक्सपेंसेस भी आते हैं अरे आए है ना सर होते ना सर होते ना सर अब आप सोचिए हर महीने अगर उसने एक्सपेंस बुक नहीं किए होंगे और ईयर एंड पर डाइट जाके वो एक्सपेंस बुक करता है सर डिपार्टमेंट को एक मिनट में पता पड़ जाएगा कि मामला गड़बड़ है क्यों भाई सारी चाय मार्च में पी रहे <laughs> <laughs> कि मार्च में रिवर्स असूड टैक्स पे किया बाकी तो पे ही नहीं दिया तो साल भर में यू गेटिंग माय पॉइंट सर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एससेसिस लोगों ने तो बोला नहीं चीज जीएसटी नहीं ची मोदी ना चीज जीएसटी चलो ना हो पाएगा सर इतना हंगामा हुआ है सर इस पे फिर एक नोटिफिकेशन भी किया 13 तारीख को 13th ऑफ अक्टूबर से 2017 जवाब वो छोटे थे बेटा सर 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 था था सर उस पर पढ़ा था उस टाइम टाइम पर पढ़ा रहा रहे हो मालिक तेरह अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन दिया और बोला क्या चिंता मत करो पांच हजार रुपए पर डे तक का खर्चा है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं सर फाइव थाउजेंड रुपी पर डे तक का आपका इस तरह का एक्सपेंसिजन जो परचेज किया आपने सब मिला के तो आपको रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा क्लियर फिर सर हंगामा हुआ फिर जाके सेक्शन को ही विदड्रॉ कर दिया डिलीट किया सेक्शन को

स्टोरी समझना ही भी पूरी बेटा वैसे जो मैंने आपको बताया लास्ट दस मिनट में केवल नॉलेज के लिए बताया आपको मैंने ठीक है अभी एप्लीकेबल नहीं है पर उसकी वजह से आपको सेक्शन की इंपॉर्टेंस पता पड़ती है सर सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन फोर एक बहुत बड़ा मुद्दा था सर बहुत बड़ा मुद्दा था सर जहां पे भी जीएसटी जब नया नया आ रहा था सर तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने कई सारे सेमिनार लिए थे जहां पे भी बात होती थी सर सेक्शन नाइन फोर में तो ऐसी बैंड बेजी थी लोगों की सर इतनी बैंड भेजी थी सर और डिपार्टमेंट की हालत तो ऐसी खराब थी सर और बताएंगे बाद में धीरे धीरे सब बताना है सर यहाँ तक समझ में आया आपको अरे आवाज नहीं आ रही हो पक्का हंड्रेड परसेंट डन सर सेक्शन नंबर नाइन सर सेक्शन नंबर फोर डिपार्टमेंट के ऑफिसर की चलो बोल देता हूँ मैं हालत ऐसी है सर ऑफिसर्स की कुछ कुछ 2019 में मेरे पापा की फॉर्म में ऑडिट आई जीएसटी ऑडिट ये फैक्ट है सर सर जो ऑफिसर आए वो क्या बोलते हैं अब हमारे पापा का तो बिजनेस दुकान नॉर्मल एक ट्रेडिंग वाला काम है सर अब साहब 2020 या 19 कुछ होगा सर <coughs> 20 हाँ सर क्या बोलते हैं अब उनको कोई पॉइंट मिला नहीं सर सर कि जिसमें टैक्स रिकवरी कर पाए या कुछ हो पाए या कुछ कुछ नहीं मिला लास्ट में क्या बोलते हैं यार ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऐसे जिसमें आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है ये तो आपने अनरजिस्टर्ड पर इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा सेक्शन में नाइन सब सेक्शन फोर नाइन फोर तो उनको याद नहीं था रिवर्स चार्ज बोला था उन्होंने <laughs> और वहां में बैठा था सर बायलक मैंने का कहा क्या बोल रहा है वापस बोलना है सर एक बार बोला रिवर्स स्पेलिंग पता है उसकी क्या होता है बोला <laughs> सेक्शन पता है आपको मैंने कहा आप जैसे लोगों की वजह से गवर्नमेंट बदनाम है सर आपकी ट्रेनिंग भी हुई कि नहीं हुई है वो ट्रेनिंग हुई होगी डेफिनेटली पर आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है सर दिमाग खराब हो गया उनका सोचो वहां तो मैं बैठा था सर अगर मान लो मैं नहीं होता केल पापा होते और सोचिए यहाँ जितने आप दुकान देखते हो बेटा आपने भी आप जिस टाउन से बिलोंग करते हो वहां देखना जितने मार्केट में दुकान है एक को भी क्या सेक्शन नाइन फोर पता है क्या वो ऑफिसर के बोलेगा टैक्स लगता है आप वो तो परेशान ना यार आदमी समझना बात ध्यान से तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा देश डिपार्टमेंट से डरता है एंड दे आर नॉट टेक्स फ्रेंडली हाँ है ना सर भगाया उनको बाहर गाली नहीं दी केवल उनको दिस वॉज द एक्चुअल कंडीशन उनको बोला ट्रेनिंग नहीं हुई तुम्हारी तो कराओ आप ट्रेनिंग मैं आ जाता हूँ भले सर <laughs> बोले सर आप कौन आपको मैंने कहा छोड़ दे भी तू सर <clears throat> पर पॉइंट क्या है पॉइंट इज दैट नॉलेज इसलिए मैंने आपको सेक्शन नंबर नाइन फोर की इंपोर्टेंस बताई बेटा क्लियर की आपको ध्यान रहे ये बाद में चेंज हुआ और बाद में बिल्डर वो इनिशियली आया था उसके एक महीने बाद ही विद्रो किया था सर पांच हजार रुपए पड़े लिमिट दी बाद में इसको विद्रो भी कर दिया सर हा है ना मालिक क्लियर पर सर ये इतना भारी सेक्शन था मतलब अगर ये होता तो आज जीएसटी ना हो पाता इतना भारी सेक्शन था ये ठीक है क्योंकि हर एक्सपेंस आप सोचो ना यार उसमें रिवर्स एक्सम टैक्स पे करना उसकी रेट ऑफ टैक्स निकालना कंप्लायंस पे करना हर महीने पॉसिबल नहीं था सर क्लियर मालिक सर सेक्शन नाइन फोर अभी किसके लिए एप्लीकेबल है सर ओनली ओनली बिल्डर जिसको टेक्निकली बोलते हैं क्या प्रोमोटर्स ठीक है मालिक पक्का डन तो सेक्शन नाइन है अब पक्का ठीक सर सर आइए सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फाइव ओला नाम सुनो क्या ओला उबर स्विगी स्विगी मेकडी सर सुनना ओ oh, भाई ओला स्विगी जोमेटो सर गवर्नमेंट के पास पावर है चलो एक चीज एक एग्जांपल से बात करता हूं मैं आपसे सर ओला टैक्सी उबर कभी ट्रेवल क्या होगा ना सर मान लो आवाज नहरी सर मान लो मैं हूं टैक्सी ड्राइवर सर मान लिया मान लिया मान लिया सर मैं हूं टैक्सी ड्राइवर सर सर क्या नाम हर्ष ओला कंपनी के मालिक बेटे हमारे बीच हर्ष भाई सर मैं हूँ टैक्सी ड्राइवर मेरा टैक्सी लिस्टेड है रजिस्टर्ड है हाँ ओला ऐप पे सर एंड यू आर दी पैसेंजर्स अब आपको मान लो अंधेरी से चर्च गेट जाना है सर मान लिया सर गुड आपने क्या किया ओला ऐप ऑन की क्लियर टैक्सी बुक किया nearest taxi मेरा था मैं लेके पहुंच गया क्लियर डेस्टिनेशन क्या था चर्च गेट मैंने वहां ड्रॉप किया आपको बेटा ठीक है साहब अब सर उसमें फेयर था मान लो ₹700 आप मुझे बताओ एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी है क्या ओला ने दी है या इस टैक्सी वाले ने दी है क्या टैक्सी ओला की थी सर नो no. टैक्सी मेरी मैंने वहां लिस्ट करी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सर इसने क्या किया एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे सप्लायर ऑफ सर्विस और ऑफ सर्विस एक जगह मिल गए थ्रू दैट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हा है ना भाई इसने क्या किया हम सबको एग्रीगेट कर दिया एक ही प्लेटफॉर्म पे सर और ये से नो दिस मॉडल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस क्लियर क्या बोलते हैं मालिक इसको एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस अब इसमें क्या किया इसने सारे सप्लायर्स को और सारे रेसिपेंट को platform एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया कलेक्ट कर दिया एग्रीगेट कर दिया सर अब क्या होगा सर आपको कहीं ट्रेवल करना होगा आप टैक्सी बुक करेंगे नियरेस्ट टैक्सी मान लो मेरी है मैं आपको पिक करने पहुंचा वहां से आपको लोकेशन पर ड्रॉप किया मैंने क्लियर जो फेयर था सात रुपए अब आप मुझे बताओ एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस किसने दी है टैक्सी वाले ने दी सर मंगल ने सर अरे हायना मालिक सर ये टैक्सी ड्राइवर्स अब आप मुझे बताओ ये टैक्सी टैक्सी एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए सर ये टैक्सी ड्राइवर ये जो लॉबी है सर जिनके पास टैक्सी होती है टैक्सी चलाते हैं इस तरह से जो ओला वगैरह पे लिस्ट करते हैं बेटा टैक्सीज को ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है यार क्या मैं टैक्सी वाला आप सोचिए क्या टैक्सी वाला जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा सोचिए देखो बेटा प्रैक्टिकली देखिए आप क्लियर नहीं क्या वो टैक्स पे करेगा टैक्स कंप्लाइंस कर पाएगा रिटर्न फाइल कर पाएगा बच्चों नहीं क्लियर इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इसको आइडेंटिफाई किया और बोला क्या दिमाग खराब मत करना हर्ष ओला आप तो बड़े आदमी हो ना यार होना बड़ा आदमी है सर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा है सर यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज देखो मैं सप्लायर था एक्चुअली आप कस्टमर रेसिपिएंट थे सर ये एक ईसीओ था प्लेटफॉर्म क्लियर नए सप्लायर था नए रेसिपिएंट था बच्चों यस ए नो

क्लियर रजिस्ट्रेशन की लाइब्रीटी किसकी आएगी ओला की टैक्स कौन पे करेगा ओला बात खत्म बच्चों ठीक है सर मेरे को फ्री कर दिया फॉर दी दर्पज ऑफ जीएसटी में सप्लायर ही नहीं हूं सर क्या बोला वापस सुनना सर सर फॉर दी ऑफ जीएसटी मैं सप्लायर ही नहीं हूं कौन सप्लायर है ओला ठीक है तो सर यहां पर अब सुनना सेक्शन को ध्यान से ओला मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके साथ गवर्नमेंट के पास पावर है दिल थाम के सुनेगा सर गवर्नमेंट के पास That on the recommendation of the GST Council, they can notify certain, certain, oh, 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 only, only services. सरकार अमेज़न की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। फ्लिपकार्ड की बात नहीं कर रहा मैं मिश्रो की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। केवल सर्विसेज की बात करा मैं आपसे और वो भी सारी नहीं हाँ अभी पांच सर्विसेज ही केवल पांच है चार है तीन है मेरा पॉइंट वो नहीं है पढ़ेंगे बाद में सर क्लियर पर जस्ट आइडिया के लिए आपको बताया मैंने सर सारी सर्विसेज भी नहीं केवल नोटिफाइड सर्विसेज <coughs> सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर

अरे क्लियर ठीक ओला वाला एग्जाम्पल क्लियर है सर आपको सर वैसे सेक्शन नाइन थ्री नाइन फोर नाइन फाइव ये तीनों में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्स में अलग से मैंने चैप्टर दे रखा है बेटा तब ठीक है मैं जस्ट आपको सेक्शन नाइन में आ रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको शायद समझ में आया सर आपको अरे समझ में आया क्या नाइन फाइव को रिवर्स बोलते हैं क्या बस बोलता हूं मेरा क्वेश्चन क्या है 95 को रिवर्स चार्ज बोलते हैं क्या दिस इज माय क्वेश्चन हां 95 को रिवर्स चार्ज नहीं बोलेंगे क्यों अगर रेसिपेंट टैक्स पे करता है तो उसको क्या बोलते बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर आप मुझे बताओ सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में क्या रेसिपिएंट लेबल टैक्स पे करने के लिए रेसिपिएंट तो पैसेंजर है ना यार वो टैक्स पे नहीं कर रहा है क्लियर सर टैक्स कौन पे कर रहा है ईसीओ ओला क्लियर ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज इफी और सप्लायर जब टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा आवाज यारी सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते सर जहां पे भी सप्लायर लायबल होता है उसको क्या बोलते हैं सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते दिल थाम के देखना सर एक मिनट

सप्लायर मान लिया है किसको ईसीओ को और वही टैक्स पे करेगा सर आज स्विगी जोमेटो उनके थ्रू अगर आपने कुछ खाना मंगाया सर है हाँ ना सर मान लो आप स्विगी के ओनर में रेस्टोरेंट वाला सैंडविच बनाता हूं बेटा क्लियर आपने सैंडविच परचेज किया ऑनलाइन परचेज किया सर ठीक है आप कस्टमर एक्चुअली मैं सप्लायर हूँ पर स्विगी के थ्रू अगर मंगाया तो स्विगी विल बी ट्रीटेड एज इफ स्विगी इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज सर्विस हा है भाई रेसिपी तो आप लोगों ने यार लाइबल नहीं है ठीक है मालिक पक्का डन तो सर ये तो आपका सेक्शन नंबर सब सेक्शन फाइव और सर सेक्शन नंबर सब सेक्शन लिखा है क्या सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और हाँ ईसीओ आपको टैक्स पे करना है और हाँ आपको ही टैक्स पे करना है और हाँ आपको ही टैक्स पे करना है तीन पॉइंट लिखे सर आपको टैक्स पे करना है आपको पे पे करना हो रहा, आपको ही पे करना, आपको मान लो आउट ऑफ इंडिया अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया, तो इंडिया, इंडिया में नहीं है पर उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में होगा वो टैक्स पे करेगा पर सर हम तो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर चलाते हैं जो यूएस में चल रहा है ना तो हमारा फिजिकल है इंडिया में और नहीं इंडिया में उनका को है, तो है, हाँ। मतलब तो है क्योंकि इस टैक्सी वाले को देख लो इससे ना हो पाएगा हा है ना भाई अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस तो आप टैक्स पे करेंगे नहीं है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा वो भी नहीं तो You will will मतलब, will have have to to appoint appoint a a person. person in India who pay Pay tax on their behalf. सेक्शन नंबर सबसे नोटिफाइड सर्विज है और कुछ नोटिफाइड सर्विसबल नहीं होता है और इसी के साथ सेक्शन नाइन खत्म होता है अब बोलो सर बोलो मैम एमेजोन इज नॉट लाइबल बेटा इज नॉट सप्लायर सर एमेजोन के थ्रू अगर आपने परचेस किया गुड्स मान लो मैं मार्केट बेच रहा हूँ थ्रू एमेजोन तो सप्लायर में हूँ। अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है सप्लायर में टैक्स पे करूंगा Amazon तो अपना कमीशन चार्ज करता है ट्वेंटी परसेंट तो कमीशन का बिल मेरे को लेकेगा वो हाँ ठीक है बेटा यस yes, एक सेकेंड हाँ बोलिए मैम पक्का समझ में आया ना आपको ओके यस प्लीज नहीं 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 डिफरेंट सर्विसेज टैक्सी सर्विस के लिए ई कॉमर्स विल बी लाइबल प्लेटफॉर्म फी के लिए इज इज द द सप्लायर एक सप्लायर एक्चुअल ना बेटा यार अच्छा जी का जो प्लेटफॉर्म फी होती है जो ई की प्लेटफॉर्म फी होती है उसके लिए तो ही लाइबल है बेटा यार वो तो ईसी ने एक्चुअली सप्लाई करा है मेरे को बेटा जो फीस लिया है कन्वीनियंस फीस लिया उसके लिए तो वो लाइबल है ये बेटा ओके बेटा ठीक सर हाँ स्विगी वाले में सर ठीक है सर देखिए मैंने अभी आपको नाइन फाइव की वो सारी सर्विसेज का नाम नहीं बताया बेटा आपको सेकंड थिंग इसमें कुछ अगर कंडीशन अगर होगी तो मैंने नहीं पढ़ाई आपको बेटा केवल आपको एक छोटा सा हिंट दिया है आइडिया दिया है पर आपका आंसर मैं बोल देता हूं कि यस स्विगी ही लाइबल इस केस में भले रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो स्विगी ही लाइबल है नाइन के केस में सर कोई फर्क नहीं पड़ता पर फिर भी मैं कह रहा हूं आपको अभी मैंने नहीं पढ़ाया ठीक है बट आंसर इज स्विगी ठीक है बेटा ठीक ठीक क्लियर हाँ हाँ बेटा सर सर क्या लिखा है ये नहीं ये क्या लिखा है ये कहा लिखा है सर सुनिएगा ध्यान से भाइयों अगर उसका सर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए अमेजोन का एग्जाम्पल ले रहा हूं वैसे मैं बात कर रहा हूं सर अभी मैंने आपको अभी शुरू किया जीएसटी भी थोड़ी देर पहले ही ठीक है सारी बातें आएगी पर यस क्यूरियोसिटी होती है जब इस तरह के प्रैक्टिकल पॉइंट पड़ता तब तो सर इसलिए बता रहा हूँ आपको डिटेल में बात करेंगे आगे सर जब वक्त आएगा तब पर अभी हिंट देता मैं आपको मान लो अमेजन के थ्रू में मार्केट बेच रहा हूं बेटा ठीक है मालिक सर आप अमेजोन के मालिक है सर अब सर मैंने Amazon के थ्रू कोई गुड्स बेचा है यू आर कस्टमर आई एम एक्चुअल सप्लायर आप देखना Amazon पे लिखा होता है सप्लायर कौन है लिखा होता है ना सर सर मैं सप्लायर हूं मंगल एंड यू आर दी कस्टमर तो वहां पे कोई नाइन फाई नहीं है बेटा क्लियर वहां पे सप्लायर अगर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा अगर टैक्स लगता होगा तो टैक्स पे करेगा अगर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा टैक्स नहीं लगता होगा टैक्स नहीं पे करेगा पर नाइन फाई तो नहीं लगता है मैंने ये बताया आपको क्लियर और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एमेजोन के थ्रू बेच रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है ऐसा नहीं है था ये एक साल पहले तक ठीक है सर इसलिए अभी सब इस बातें करी नहीं मैंने सेक्शन ट्वेंटी फोर से हड़ गया बेटा दिया नोटिफिकेशन में सेक्शन के थ्रू ठीक है सर यस मैम यस सर स्विग जोमेटो के थ्रू जो, जो रेस्टोरेंट सप्लाई कर रहे हो वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है जीएसटी मान लो यस तो स्विगे जोमेटो ही टैक्स पे करेगा ठीक है नाइन फाइव ठीक है अभी सुनो, नाइन फाइव पूरा नहीं पढ़ा आपको थोड़ा हिंट दिया है बेटा ठीक है अभी आप ओला वाला एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा ठीक है ना थोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना बेटा अच्छा क्यों मैंने इसको इस चैप्टर में नहीं डाला क्योंकि देर आर वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइन की ये नाइन फाइव में आया कि नहीं आया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपका माइंड मेचर होगा धीरे धीरे हम जीएसटी में आगे बढ़ेंगे तब इसलिए मैंने चैप्टर नंबर रखा है इसको बेटा ठीक है अभी रुकिए अभी अभी डिस्कशन नहीं करेंगे उस पे पर ज्यादा पर यस इवन इफ दे आर लाइबल दे आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो भी स्विग पे टैक्स पे करने की लाइब्रेड आती है ओके बेटा अभी इतना मानो बेटा मैंने पूरा नहीं पढ़ाया इसलिए तो मैंने चैप्टर में नहीं डाला चीज चीजें प्लीज बेटा अभी बात करें थोड़ी देर बाद बात करेंगे ठीक है बेटा आएगा सेक्शन नंबर एट में आपका आंसर आएगा बेटा ओके सर अच्छा सर ध्यान देना सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन थ्री नाइन फोर एंड नाइन फाइव ये तीनों नाइन थ्री नाइन फोर कौन से आर सी कौन सा ई फॉरवर्ड चार्ज ठीक है ये तीनों सेक्शन मैंने आपको केवल हिंट दिए पढ़ा नहीं है ये तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर जब चैप्टर नंबर आएगा तब बेटा हाई ना भाई क्लियर अच्छा मैंने अपनी बुक के अंदर चैप्टर की सीक्वेंस भी इस तरह से बनाई हुई कि मेरे को कब कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है और आपको कब पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से उस हिसाब से मैंने चैप्टर बनाया हुए सर ठीक है क्लियर डन तब बात करेंगे डिटेल के अंदर हम और बहुत सारी और पता है जब आ, आपका माहौल बन जाएगा इंड टैक्स का तब बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना सर उसके आंसर आपके पास ऑलरेडी होंगे सर

गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन एट द रेट नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन ट्वेंटी और सर्विस और बोथ एंड इट्स बाय टेक्सबल टेक्सेबल पर्सन लू इज रजिस्टर्डर जीएसटी और इज मजा आ गया टेक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज ओके सर सेक्शन नाइन कि पांच गुड्स ऐसी जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट तक नोटिफाई नहीं हुआ तो 8% कितनी गुड्स होगी कि जिन पे जीएसटी जिन नहीं जिन 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 लगता है सिक्स सर कौन कौन सी घुमलोर झूम लो अरे क्लियर समझे एल्कोलिकर दारू और पेट्रोल इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता है इसलिए इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या बोलता सर नाइन थ्री बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है और नोटिफाई करके बोल देगा क्या यहाँ पे रेसिपेंट विल बी लाइबल टू पे टैक्स टू टी गवर्मेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज एंड ही विल बी मैकेज यू इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट बचा हा है ना भाई

और वो सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज केवल सर्विसेज और वो भी नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने ईसीयू के थ्रू सप्लाई करी तो ईसीयू विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीयू इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड सर ईसीयू को ही टैक्स पे करना है और हाँ उसी को पे करना है और हाँ उसी को टैक्स पे करना है यह बच्चों आपको डन इसी के साथ सेक्शन 9 खत्म होता है अब ये था क्या सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का

क्लियर कहीं कोई प्रोवाइज होगा एक्सप्लेनेशन होगा वो भी सेम होगा सर ठीक है सर वन नेशन वन टैक्स यार हाँ ना मालिक क्लियर पता है आपको जैसे आपने सेक्शन नंबर नाइन पढ़ा सी एक्ट में वैसे ही सेक्शन नंबर फाइव दे रखा है कहा आई एक्ट में कौन सा सेक्शन नंबर फाइव. फाइव कहां पे बच्चों आईजीएसटी एक्ट में कौन सा सेक्शन जल्दी बोलना है बेटा एक बार सेक्शन नंबर फाइव सर सुनना एक मिनट सेक्शन नंबर फाइव यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है जीएसटी वहां पर क्लियर तो सर पूरा सेक्शन नंबर फाइव इज एब्सोल्युटली सेम क्या बोला सर चलिए सेक्शन नंबर फाइव अच्छा कंफर्टेबल बेटा ए सी ओके कलो आप रिमोट है आपके पास ओ भाई समझ में तो आ रहा ना आपको पक्का नींद तो नहीं आ रही है भूख लग रही है सही में भूख लग रही है आपको सही में भूख लग रही है यही संघर्ष है सर सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन नंबर वन मतलब वीडियो क्लास में जो है ना बेटा उनको सोचो आप मतलब वो बेटे बेटे मंगल चुप ये चुप <laughs> मंगल चालू मंगल चालू मंगल चालू नहीं हो सर सेक्शन नंबर फाइव सबसेक्शन नंबर वन ऑफ दी जी ऑफ द आई टेक सुना जो सेक्शन नंबर नाइन था सी जी में वही सेक्शन नंबर फाइव है आई जी में सर सेक्शन नंबर फाइव सबसे हम सब रिपीट करेंगे सर बोलेंगे सर एक बार कि सर आईजीएसटी जी एस टी शेल बी लिविट क्या बोला सर ऑन इंटर स्टेट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट

पांच गुड्स कौन सी पांच गुड्स पेट्रोल वाली बेटा सर इन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम राइट टू बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट दौन कौन कौन सी बेटा बोलना एक बार पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड कॉमन एज पेट्रोल एविशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस फाइव थ्री आरसीएम सी या है वो क्या होगा इंटरस्टेट फाइव फोर रिवर्स चार्ज इंटरसेट के केस में भी बिल्डर वाला केस में बेटा एंड फाइव फाइव ओला उबर स्विगी वगैरह बच्चा बस एक बात और एक्स्ट्रा है बेटा उसके लिए आपके लिए यहां पे सेक्शन वन में एक प्रोवाइज दे रखा है सेक्शन नंबर फाइव सेक्शन वन में एक प्रोविजो दे रखा है वो क्या दे रखा है सुनना ध्यान से सर ओ मालिक तो करो कम से कम मैं मान रहा हूं भूख लग रही बेटा हूं कम तो जैसे कुछ चीज खा लियो आपने सर ओ मालिक सेक्शन नंबर फाइव है क्या इंटरसेट सप्लाई पे आईजीएस लगेगा सर हूं तो कर लो इंटरसेट सप्लाई पे क्या लगेगा सर आईजीएस अच्छा पता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चों कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोल रहा मैं आपसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चों और खास बात कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलोंग विद द कस्टम्स का लिखा है ये प्रोवाइजो में लिखा है ये प्रोविजन में तो लिखा है सर की ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या लिखा है हाँ तो आपको बात समझ में आएगी अच्छे से क्यों लगता है उसका भी लॉजिक है सर पर मैं अभी नहीं बताऊंगा सर आपको क्लियर सर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है क्लियर तो सर सही वक्त आएगा तो बात करेंगे अरे हायना मालिक पर पर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर कस्टम लगता है कस्टम के साथ में क्या लगता है बच्चो आईजीएसटी पर एक गुड्स एक्सेप्शन है सर इसका एक्सेप्शन क्या है oh जंगली रेमी पे कभी आओ ना महाराज सर <laughs> तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग होता ना रमी वगैरह ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ऑनलाइन मनी गेमिंग है? हाँ और ये ना सात पत्ती सात नहीं तीन पत्ती ना नहीं मेरे को पता नहीं मैं कभी खेला नहीं सर क्लियर दारू पीने में पता नहीं पड़ता क्या खेल रहा है सर अरे हाँ है ना भाई सर तो जंगली रमी तीन पत्ती ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है सर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है सर वो अगर वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया वाली है बेटा, कहा की बेटा अच्छा एक बात और ऑनलाइन मनी गेमिंग को गुड्स मानते क्या मानते बेटा गुड्स ठीक है अब वेबसाइट अगर आउट ऑफ इंडिया की कहा की बेटा आउट ऑफ इंडिया की अच्छा उससे पहले एक बात और ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह जो सट्टा खेलते हो ना बेटा आप आप नहीं खेलते लोग तो खेलते होंगे बेटा आप तो बहुत समझदार हो बेटा मुझे पता है क्लियर ड्रीम इलेवन पर टीम बनाई नहीं बेटा आपने कभी भी सर मुझे सब पता है बेटा सर कोई बात नहीं नहीं कोई कोई बात नहीं सिगरेट कभी पी नहीं तो बेटा लाइफ में है हाँ मुझे पता है ना नहीं पी तो ऐसा हज क्या रहा है सबके सामने सर कोई डाउट तो नहीं तेरे को पक्का पर मेरे को है सर <laughs> <laughs> पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जो सट्टा खेलते हो आप मतलब आप मतलब समझ रहे हो बेटा आप ओके सर कैसीनोज गेमलिंग हॉर्स रेसिंग ये सब जीएसटी के स्कोप में आते हैं आईपीएल सट्टा खेला किसने क्लियर ये सब स्कोप ऑफ सप्लाई के स्कोप में आते हैं ये गुड्स के स्कोप में आते हैं और टैक्स लगता है सर इन पे क्लियर तो सर सेम वे ऑनलाइन मनी गेमिंग भी क्या है गुड्स है और इसको जो आपने मान लो एक लाख रुपए का गेम खेला सर ने. एक लाख रुपए पे लग गए क्या जीएसटी है

जो सेक्शन नाइन था वही सेक्शन नंबर फाइव है आईजीएसटी एक्ट का बस यहां पर इंटरेस्टरेट था यहां पे क्या हो गया इंटरस्ट यहाँ मैक्सिम रेट थी ट्वेंटी परसेंट यहाँ कितनी हो गई फोर्टी परसेंट बाकी सब जगह इंटरेस्टेड होगा बेटा क्लियर और एक प्रोवाइज एक्स्ट्रा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ में क्या लगेगा कस्टम के साथ में क्या लगेगा आईजीएसटी भी लगेगा एक्सेप्ट ऑनलाइन मनी गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग में केवल और केवल आईजीएसटी लगेगा एस पर सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन वन अगर वो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थी तो इंडिया की वेबसाइट होगी तो जो नॉर्मल टैक्स लगेगा तो लगेंगे लगेंगे बच्चों हाँ ना मालिक डन कोई खास बात पक्का सर इसी के साथ सेक्शन नंबर फाइव भी कदम होता है अब कोई खास बात नहीं थी रिपीट था बेटा क्या सर इंट्रा हो या इंटर हो क्या बोला सर इंट्रा हो या इंटर हो इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर जल्दी बताना सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा अच्छा एक बात और अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर हो और स्टेट सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा सी जीएसटी एंड यूडी जीएसटी ठीक है सर अब जब भी अपन एस जी एस टी बोलेंगे तो समझ रहा हूँ यूडी जीएसटी के लिए भी बात कर रहा हूं मैं इक्वली बेटा ओके okay. तो सर इंट्रा सेट सप्लाई पे क्या लगता है सर सी जीएसटी और एस जी एस टी इंटर सेट सप्लाई क्या लगता है सर भाई इंट्रा हो या इंटर हो जीएसटी लेवी कब होता है इंट्रा हो या इंटर हो जीएसटी लेवी कब होता है सर वॉट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सर द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई एंड द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड वेरी वेल इन जीएसटी एज पर सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन ने बड़ी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से डिफाइन किया किसको सेक्शन नंबर सेवन को सर दिल थाम के सुनेगा सेवन सप्लाई का स्कोप सप्लाई की डेफिनेशन सर बहुत ही शानदार पॉइंट है क्यू और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यू yeah. क्योंकि सर अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ ही नहीं रहा है तो जीएसटी लग ही नहीं रहा इसलिए सोचिए जब जीएसटी नया नया आया आ रहा था मतलब तो इतने सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ने सब स्विम करके जीएसटी में मर्ज किया तो गवर्नमेंट के एंगल से देखो आप कितना केयरफुल होना पड़ा होगा गवर्नमेंट को कि सर कोई ट्रांजैक्शन गलती से भी सप्लाई के से बाहर नहीं निकल जाए क्लियर सर so, बहुत ही केयरफुली इसको ड्राफ्ट करी हुई है बहुत ही शानदार तरीके से ड्राफ्ट करी हुई और उसी भी उससे भी शानदार तरीके से हम इसको समझेंगे सर आइए सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्या कहता है बात कर लेते सर हम सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन पता है क्या बोलता है सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स इधर इधर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी डी भी था पहले उसको काट दिया और बना के नया वन ए बना दिया सर बात करेंगे बाद में अभी छोड़ो उसको आप सर तो अभी क्या है फिलहाल सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन नंबर वन क्या बोलता मालिक सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सॉरी क्लोज नंबर ए डबल ए बी एंड सी अभी था तो ध्यान तुम सर अच्छा कोई बात अगर दो या तीन बार मैंने रिपीट करी है ना सर तो कोई इंपॉर्टेंस होगी और उसको वर्ड को मेरे को आपके यहाँ फिट करना है सर उसके एमफे उस पर एम डालना है सो देट आप उस उसका आंसर मुझे दे पाए मैंने एजोशन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है पहली बार पढ़ रहे हम सर yeah. क्लियर बाकी काम मेरा है ना सर पर सर अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो ये ध्यान रखना उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको या फिर उसका आंसर आपको आता होगा तभी मैं पूछूंगा आपसे सर ओके सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन क्या बोलता सप्लाई अच्छा सा आवाज सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए डबल ए बी और सी ठीक है Achyasa, Inclutes. Inclutes, A, AA, B, इसका मतलब क्या है अब <coughs> तो इतना बता दो मेरे को सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी सी चल रहा डबल ए दो मिनट ए डबल ए बी सी सप्लाई इंक्लूड्स ए बी ए डबल ए बी सी हाँ जी क्या बोल अच्छा एक बात और सर आप यहां पे आंसर दीजिए आंसर गलत होगा मैं सही करूंगा सर क्लियर सही होगा तो अच्छी बात है सर अरे हाँ ना भाई सर और एक बात और अगर कोई आंसर आपसे गलत हुआ है मैं तो एक्सपेक्ट करके बैठा बैठाऊंगा आपसे गलत ही आने वाला है क्यों क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है क्लियर समझे मेरी बात तो सर आपको आंसर अगर कोई गलत भी हो जाए ना सर तो पता है उस टाइम ये नहीं सोचने का अरे यार गलत हो गया पता है क्या सोचने का यो मजा आ गया भाई कोई चीज जो गलत आती थी वो सही कर दी मंगल ने हम इसलिए तो आया यहाँ पे यार ठीक है तो डीमोटिवेट नहीं होना आप आंसर दीजिए मस्त हो होके खुश होकर बात करिए हाँ जी ये सर इंक्लूसिव लिस्ट है एग्जोस्टिव नहीं है मतलब ये एग्जाम्पल्स है और भी हो सकते हैं ओके okay, और कुछ और कुछ सप्लाई इंक्लूड्स और कुछ दिस वॉज द परफेक्ट आंसर क्लियर सर आपने जो आंसर दिया परफेक्ट है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए डबल ए बी और सी मतलब क्या है तुम भी हो तुम सप्लाई मीन्स ए डबल ए बी और सी होता तो क्या होता तुम ही हो, है ना? क्लियर सर सप्लाई मीन्स अगर ए डबल ए बी और सी अगर होता मतलब ओनली दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट होती माई लाइफ मीन्स यू मतलब तुम ही हो माई लाइफ इंक्लूड्स हो <laughs> सर समझ रहे बात क्लियर सो ये वर्ड्स अभी से समझो लाइफ में भी आगे क्लियर है सर <laughs> सर यहां क्या लिखा है <laughs> इंक्लूड्स लॉ मेकर सा, सो स्मार्ट कि अगर कुछ रह भी जाए तो क्या बोलेंगे <laughs> इंक्लूड्स लिखा है सर हा है ना सर वैसे बात करूं मैं इसमें कुछ भी नहीं रहा है सर सब कुछ इंक्लूड कर दिया इन्होंने फिर भी क्या लिखा है क्यों क्योंकि नया लगा बनाया सब गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए अरे क्लियर समझे मेरी बात क्या लिखा है सप्लाई अब सर शायद इसकी इंपोर्टेंस समझ में आई सप्लाई मीन्स नहीं सप्लाई इंक्लूड से सर कई सारे एक्ट हमने अब तक पढ़ लिए है सर कई सारी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी पर शायद बहुत कम जगह ध्यान गया होगा कि इंक्लूड्स लिखा कि मीन्स लिखा है पर अब शायद ध्यान जरूर जाएगा आपका बेटा ठीक है सर क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ जाता है सर इंक्लूड्स मींस में सर ठीक है मालिक ठीक है सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए पढ़ ले क्या सर अरे पढ़ ले क्या सर ओके सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्लोज नंबर ए में सबको बोल्ड कर दिया सर सुन ना सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as sale exchange barter transfer lease license rental or disposal of goods or services both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business will supply hoga full stop वापस सुनना सर ये तो मैंने शो ऑफ किया केवल कि बेटा कि मेरे को आता है हाँ कौन मुड़ रहा है ओए सर सप्लाई <laughs> अभी जिस जिस तरीके से मैंने बोला ना सर उस तरीके से आपसे बोलूंगा गारंटी और याद भी नहीं करवाऊंगा मैं आपसे ठीक है सर एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा तो आप अपना बोलेंगे सर चलिए सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज ध्यान से देखिए सर मतलब सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई और वो भी क्या लिखा गया मतलब ये भी एग्जाम्पल्स है सर बुक लग रही है ब्रेक चाहिए आपको बेटा तो बोलो ना क्या हाँ नहीं दे रहा बेटा सर नहीं सही में भूख लग रही है बेटा ब्रेक का टाइम हो गया क्या बेटा आपका ये नौ बजे तक तो दू ब्रेक नौ बजे दू ब्रेक ये सप्लाई खत्म हो जाता सप्लाई बेटा दो की रात की सर सुनना <laughs> सर सुनना, <laughs> सर, सुनना। <clears throat> चलो पंद्रह मिनट बाद ब्रेक दो आपको चलेगा पक्का ना दुखी तो नहीं हो रहे सर आप और तो भी क्या कर रहे बेटा मैं भी वही रहा <laughs> सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सप्लाई इंक्लूड्स सच इज सेल रटना थोड़े सर ये मार्केट मैंने आपको बेच दिया <laughs> सर फोर रुपीज टेन थाउजेंड कितने बेटा दस हजार में मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया क्या है ये <laughs> सेल अच्छा होस्ता गुड्स बेचा है होस्ता सर्विसेज बेची मैंने आपको बेटा क्लियर दैट इज सेल एक्सचेंज सर <laughs> सर होता ना ओल्ड मोबाइल फोन रिप्लेस करा दो आप नया फोन लेना होता आपको सर अगर नया मोबाइल फोन लेना है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड का है अगर आप कोई भी पुराना स्मार्टफोन लेके आओ तो किसी भी कंपनी का तो सर मैं आपको ये थर्टी फाइव थाउजेंड में मोबाइल दे दूंगा होता ना सर ऐसा इज वट इज कोल्ड एक्सचेंज क्लियर सप्लाई इंक्लूड सेल एक्सचेंज समझ माना बेटा की एग्जाम्पल क्लियर बार्टर बाटर मतलब प्योर एक्सचेंज इज कोल्ड बार्टर जैसे मैंने आपको इंडार बदले में, आप, में आपने मेरे को डायरेक्ट टैक्स पढ़ा दिया दोनों बर्बाद सर <laughs> सर मैंने आपको इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया अरे हा मालिक सर दैट इज प्योरली कोल्ड बाटर दिस इज ऑल्सो सप्लाई मतलब जरूरी मनी ही इन्वॉल्व हो सर क्लियर कंसिडरेशन में भी इन काइंड ऑल्सो सर क्लियर इसलिए सप्लाई इंक्लूड सेल एक्सचेंज बाटर समझ में आया बेटा आप कोई पॉइंट क्लियर सर ट्रांसफर सप्लाई इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर सर मान लो <coughs> मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में और एक ब्रांच है राजस्थान में मैंने कोई गुड्स ब्रांच ट्रांसफर करी सर क्या करी सर ब्रांच ट्रांसफर करी फॉर अ पैसे लिए मैं, sir, मैंने सर सर है ना sir, अपनी ब्रांच से पैसे लिए और गुड्स बेचा बेटा ब्रांच ट्रांसफर किया दैट इज ऑल्सो सप्लाई तो सर कोई गुड्स अगर आपने ट्रांसफर किए वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा क्लियर सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज अरे ना भाई जो भी लीज आपने पढ़ा आप बेटा सर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो या सर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली बेटा वो सब सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों हाँ है ना मालिक क्लियर सर लाइसेंस कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया बेटा और मैंने उसको यूज करने का लाइसेंस लिया सर होता ना सर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हम जैसे तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वीडियो क्लासेस है उसका इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस की हमने लिया सर क्लियर उसके लिए हमने चार्जेस पे किए दैट इज वॉट इज कॉल्ड सप्लाई अरे समझा मेरी बात क्लियर सर लाइसेंस लिया हमने देन सर रेंटल ये में ने रेंट पे ली कोई मशीन आपने रेंट पे ली कोई गुड्स आपने रेंट पे लिए दैट इज इज गोल्ड सप्लाई एंड डिस्पोजल किसी ने अपने बिजनेस के असेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए होता ना सर वो भी क्या है सप्लाई के स्कोप में आएगा और उनपे भी जीएसटी लगेगा यस या नो सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज

सर सेल एक्सचेंज बाटर डी टी आई डी बेटा हा है ना भाई क्लियर ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर अरे ना भाई लीज ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज लाइसेंस और सॉफ्टवेयर वाला बेटा सर रेंटल क्लासरूम रेंट पे लिया मैंने क्लियर गुड्स सर्विसेज गुड्स रेंट पे लिए मैंने बच्चों क्लियर एंड डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों हा है ना भाई क्लियर वापस बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल हुआ ना यार सर ठीक है और वैसे भी मगअप करने की जरूरत नहीं है सर कभी भी लाइफ ध्यान रखना एज फॉर एज फाइनल लेवल इज कंसर्न आप ये नहीं पूछेंगे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई कोई नहीं पूछेगा यार क्लियर आपको प्रैक्टिकल कैसा आएगा कि बताओ जी एस लगेगा कि नहीं लगेगा सर समझे इसलिए मगअप करने का कोई सेंस बनता भी नहीं सर हर एक चीज समझिए आप बेटा ठीक है अच्छा प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है क्लियर प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो और उसमें बता रहे हो कि टैक्स लगना कि नहीं लगना जैसे ओला वाला एग्जाम्पल हो गया हमारा सर हाँ है ना कोई भी एग्जाम्पल ले लो सर आप ठीक है रिकवरी एजेंट के केस में लगता है, है ना प्रैक्टिकल चीज बताइए मैं आपको बेटा ठीक है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल तो सर कई बार आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे ही करता है अभी भी पहले भी ऐसे ही करता था सर क्लियर समझे मेरी बात और अच्छा है जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पूछेगा उतना जिनके कॉन्प्ट क्लियर होंगे उनके पेपर अच्छे होंगे सर हमेशा ठीक है मालिक सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म सप्लाई एज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर लीज लाइसेंस डिस्पोजल सर्विस और सर्विस को भी डिफाइन किया, किया पर अभी आप कॉमन सेंस में गुड्स और सर्विस डेफिनेशन की बात करेंगे बाद में अभी नहीं अभी सही वक्त नहीं है उसके लिए ठीक है मालिक सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म सचेज बोला ऑफ वोर्ट गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाईज मेड और अग्री टू बी मेड हम सप्लाई कर दिया हा भाई सप्लाईज मेड सप्लाई कर दूंगा यार एडवांस दे दे एडवांस दे दो सप्लाई कर दूंगा मतलब क्या है आई अग्री टू सप्लाई द गुड्स और बहुत हाँ बच्चे और हा मालिक आवाज नहीं आ रही हुए yes. अगर मैंने एग्री कर लिया सप्लाई करने के लिए मतलब मैंने एडवांस ले लिया तो भी लग गए अरे हाई ना सर आपने भी इस बैच के लिए एडमिशन पहले ले लिया होगा सर एडवांस में हाई ना सर जिस दिन आपने एडमिशन लिया जिस दिन फी पे करी उस दिन मैंने एग्री कर लिया कि मैं सप्लाई करूंगा क्लियर और एग्री किया तो सर उस दिन जब मैंने आपसे फीस लिया वो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया लग गया जीएसटी बेटा ठीक है क्लियर सर ध्यान देना वापस से बोल रहा बच्चों में गुड्स हो या सर्विसेज हो क्या बोला सर मैं टाइम ऑफ सप्लाई को लिंक करूंगा बेटा किसको टाइम ऑफ सप्लाई जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर टू हो या सर्विसेज हो अगर सप्लाई कर दिया तो सप्लाई है ही है सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया मतलब एडवांस अगर रिसीव हो गया वो भी क्या हो गया सप्लाई हो गया और सप्लाई हो गया तो क्या लग गया बच्चा जीएसटी गुड्स और सर्विस और बहुत मतलब गुड्स केस में भी एडवांस रिसीव हो गया तो जीएसटी लग जाएगा सर्विस तो जीएसटी लग जाएगा lakh, आपने मुझे वन लाख रूपये एडवांस दिया तो वन लाख पे जीएसटी लग जाएगा सर हाँ टाइम ऑफ सप्लाई भी आ गया पड़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर क्लियर जीएसटी सप्लाई के स्कोप में आ गया यहां से सप्लाई मेड और अग्री टू मेड से लिंक होता है टाइम ऑफ सप्लाई पर हाँ

पर वो एग्जाम किया हुआ अलग से वो आएगा बाद में हाँ है ना पर मेरे को बताना पड़ता सर। सर, है क्या लिखा है तो उसका वक्त आएगा तब तो आ जाएगा पर अभी अभी चल रहा है क्या लेवी का स्कोप क्लियर सारी चीज बातें मैंने आपको नहीं बताई अब तक ठीक है बच्चों क्लियर तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है आपको लगेगा नहीं यार कुछ और कुछ और आ जाएगा जब वक्त आएगा तब ठीक है वो एक्सेप्शन केस होगा बच्चों हायना मालिक ठीक है सर वेन सप्लाईज मेड और मन ली गुड्स हो या एडवांस अगर आ गया सर सप्लाई के स्कोप में आ गया वेन सर सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन पता है पर्सन अगेन जीएसटी के अंदर पर्सन इंक्लूड्स एवरीबडी इंडिविजुअल एच यू एफ पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी बॉडी कॉरपोरेट सर कोई फॉरिन कंपनी है और हाँ ना भाई सर कोई आर्टिफिशियल टोडिकल पर्सन है सर सोसाइटी है कोपेटिव सोसाइटी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी सर ये सब आ गए किसमें पर्सन की डेफिनेशन में और इन्होंने किसने भी भले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो उसने भी अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज किया आपसे सप्लाई के इसको में आ जाएगा बच्चों है हाँ ना मालिक क्लियर वो सब पर्सन के स्कोप में आते हैं वरना जीएसटी के स्कोप से बाहर निकल जाते बच्चे in term, okay, Sir, तो ठीक है इसलिए इज़ इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ़ द पर्सन क्लियर यहां तक पक्का ओके मालिक सर तो सप्लाई किया किसने किसी भी पर्सन ने पर किसके लिए किया है सप्लाई इज मेड और अग्री टू यू मेड पर्सन फॉर सप्लाई इज मेड और अग्री टू यू मेड पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन के लिए काम किया किस लिए काम किया तो सप्लाई है वरना सप्लाई नहीं है एक है, है एक बार जो पढ़ा वापस बोलना बार सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज सेल एक्सचेंज बार्टर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड पर्सन फॉर अ मतलब सप्लाई किया फॉर अ तो सप्लाई वरना सप्लाई नहीं है सप्लाई किया है फोरा? तो सप्लाई वरना सप्लाई नहीं है सर मेरे को पंद्रह बीस मिनट लगेंगे इस टॉपिक में अगर आप कहे तो पहले ब्रेक दे दूं आप कहे तो बाद में पढ़ा दूं आप कहे तो अभी पढ़ा दूं बोलो हाँ जी लिंकिंग में कर दूंगा कोई टेंशन नहीं आपको अगर भूख लग रही और पढ़ाई समझ में आ रहा सब कुछ पक्का ये कितने बताऊ मुझे आप पक्का बेटा एक सोने का आते नजर वही है वे सर इसलिए मंदिर छुपा के रखता हूं इनको सर <laughs> सर मान लो मतलब चलेगा ना पंद्रह मिनट सर या ब्रेक दू चलो एक काम करते हैं चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं मिलते हैं ब्रेक के बाद ठीक है देन विल कंटिन्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉर अ पॉइंटरेशन मजा आएगा आपको सर पर हाँ एक बार जो वीडियो लेक्चर में प्लीज है क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद